मैं नरक नहीं जाना चाहती। ये कहकर नीना क्या कहने की कोशिश कर रही थी? What was she trying to say? सर, नीना का मर्डर ये साबित करता है कि रजत रॉय का खून रघुवीर ने नहीं किया है। वो तो जेल में है। Obviously. वो बाकी 5 लोगों में से किसी ने उसका खून किया होगा केडी। मिसेस विलमोरिया, वो 5 लोग तो खुद कह रहे हैं कि कत्ल उन्होंने किया है। नीना का कत्ल किसने किया? इससे बड़ा सवाल है कि क्यों किया? क्योंकि वो मुझे रजत रॉय के कातिल का नाम बताने वाली थी, इसलिए। केडी, अरे अच्छा वो मिल गया तू यार। केडी मेरी एक पहेली का जवाब बता दे, वरना मैं एक बच्चे से हार जाऊंगा यार। रोज उससे बच के आना पड़ता है। कैसा पहेली झिलमिल? अरे मिसेस विलमोरिया, एक अलादीन था, उसे एक जादुई चिराग मिल जाता है, उसमें से एक जिन निकलता है और बोलता है कि मांग। क्या मांगता है मेरे आका? उसकी समझ नहीं आता कि मैं क्या मांगू। बोलता है मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। उसकी समझ नहीं आता है मैं क्या मांगू। वो घर जाता है तो उसके घर में एक बुड्ढा बाप है, एक अंधी माँ है और एक बीवी है। वो सबको, तीनों को ये बताता है। तो उसमें से माँ बोलती है कि मुझे आंखें चाहिए, और बाप बोलता है कि मुझे अमीर बना दे, और वाइफ बोलती है कि मुझे औलाद चाहिए। तो केडी बता यार कि वो कौन सी एक विश मांगेगा जिससे तीनों की विश पूरी हो जाएगी। बोल रहे हैं बाप रे, एक ही विश में मदर, फादर और वाइफ, तीनों का अलग अलग विश कैसा पूरा होगा? अरे प्लीज बस छोड़ो ये बचकानी सवाल। तुझसे कहा ना मैंने झिलमिल, कद्दू के बीज का अकल आएगी जवाब मिलेगा। मेरा सवाल सुन, कौन है जो जानता था कि नीना मुझसे मिलने हैंग लूज बार आने वाली है? अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि नीना को किसने मारा। वैसे आप, रजत रॉय का कत्ल हुआ तो तुम कहाँ थी साने? सर मैं तो पनवेल में लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, सिग्मा फूड्स की लैंड ग्रैबिंग स्कैम पर। पनवेल में? यानी कि रजत रॉय के वर्ली स्टूडियो से 2 घंटा दूर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि पनवेल से वर्ली आकर उसका कत्ल करके वापस जाए। सर यू डाउटिंग मी? देखो सानिया, डोंट फील बैड, सारे शक तो दूर करने पड़ेंगे मुझे। इट्स ओके सर, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यार केडी, इस तरह तो तुझे उन सब पर डाउट करना पड़ेगा जो भी स्टूडियो में उस वक्त मौजूद था। मेरा मतलब है कि डायरेक्टर, कैमरामैन, स्पॉट बॉय सब शूटिंग में थे। कहा था ना तुझे, कद्दू के बीज खाने से अक्कल आती है। केडी। यस। अब तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? ये मिस्टर रजत रॉय का मेकअप रूम का है, यही कॉरिडोर के एंड में। प्रोसिक्यूटर साहब चले। वो कत्ल के हथियार बरामद हुए। 2 गन्स बरामद हुई है, एक पुलकित आनंद जी के आश्रम से और दूसरी क्रिकेट माखना के गार्डन से। और वो जो रघुवीर ने तोड़ कर यहाँ बेच रही थी वीडियो में, उसे ढूंढ रहे केडी। नहीं मिलेगी। ये कहां से आए? इसका जवाब अदालत में दूंगा। दवे बैलिस्टिक्स।
हॉटशॉट न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर रजत रॉय का उनके मेकअप रूम में कत्ल। एक बुलेट, एक कत्ल और उसके छह दावेदार। मैं द मैन रघुवीर बिष्ट, सुपरस्टार अकरम खान, सोशल वर्कर अंजलि उमेन, मंत्री जी बच्चू सिंह यादव, क्रिकेटर रविंद्र मकना और भगवान श्री पुलकित आनंद। दुर्भाग्यवश योर ऑनर, हमारी सातवीं गवाह नीना ठक्कर, जिन्हें ये खबर थी कि कातिल कौन है और हमें बताने वाली थी, उनकी भी हत्या कर दी गई है। मुझे सब सस्पेक्ट्स को पुलिस कस्टडी में रखना चाहिए था, तब ये कत्ल नहीं होता। खैर, क्या डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन किसी नतीजे पहुंचा है कि क्यों एक खून के छह दावेदार? योर ऑनर, खून जैसे संगीन जुर्म का इल्जाम इंसान तीन सूरतों में अपने सर पर लेता है। पहला, रुपयों का लालच, दूसरा, धमकी से डर, और तीसरा, पश्चाताप। इनमें से किसी को पैसे की इतनी अहमियत नहीं कि पैसों के लिए अपने सर पर इतना संगीन जुर्म ले, और ये सारे इतने पावरफुल हैं कि इन्हें धमकी का भी कोई डर नहीं। तो फिर पश्चाताप? ऑब्वियसली प्रोसिक्यूटर साहब। एंड योर ऑनर, पश्चाताप सिर्फ एक ही इंसान को होता है, उसे जिसने खून किया होता है। चलिए बारी बारी जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें से किसका पश्चाताप सच्चा है और किसका झूठा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे मुवक्किल रघुवीर बिष्ट। रघुवीर, क्या तुम अब भी ये कहते हो कि ये कत्ल तुमने किया है? जी। ओके, तो आपके बयान के मुताबिक आपने कत्ल के बाद उस गन को डिसमेंटल किया और उसके पुर्जे स्टूडियो की अलग अलग जगह में फेंक दिए? जी। गुड। जज साहब ने हमें परमिशन दी है कि हम ये गन कोर्ट में लेके आए सिर्फ इसलिए ताकि तुम अदालत को ये बता सको कि तुम कैसे गन को डिसमेंटल करते हो। लीजिए। क्या हुआ मिस्टर बिष्ट? एक्चुअली वो गन अलग थी, उसको डिसमेंटल करना मैं सीख के आया था। ओप्स, यानी कि वो पिस्टल नहीं, रिवॉल्वर था। हाँ, रिवॉल्वर था। मिस्टर बिष्ट, रिवॉल्वर भी है हमारे पास। लीजिए। मिस्टर बिष्ट, पुलिस ने स्टूडियो का कोना कोना छान मारा, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय इस पार्ट के जो उन्हें बाथरूम के टैंक से मिला। क्या ये आपके गन का पार्ट? हाँ, मैंने इसे वहां फेंका था। आपने इसे वहां फेंका था? मिस्टर बिष्ट, ये आपकी गन का नहीं, ये एक टॉय गन का पार्ट है जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। And by the way, revolver dismantle नहीं होता मिस्टर बिष्ट। Thank you. Your Honor, मेरे अगले गवाह मंत्री जी बच्चू सिंह जी यादव। मंत्री जी, आपके बयान के मुताबिक जो गोली मिस्टर रजत रॉय को लगी वो आपके गन से चली थी और फिर आपने वो गन गंगा में बहा दी। जी, मैं अभी भी यही कहता हूँ। अपने बयान में आपने ये भी कहा था कि जब आप मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम में दाखिल हुए तो वो खड़े होकर अपने ब्रश से अपने बाल बना रहे थे। जी हाँ, वो भी आईने के सामने। वो भी आईने के सामने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मंत्री जी, कि क्या यही ब्रश था जिसका इस्तेमाल कर रहे थे मिस्टर रॉय? देखिए, ध्यान से देखिए, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। देखिए, होना तो यही चाहिए क्योंकि उनके मेकअप रूम में बस एक ही ब्रश था, तो यही होगा।
तो यही होगा, लेकिन कमाल की बात है कि इसमें फोरेंसिक्स को उनका एक बाल भी नहीं मिला, जबकि बाल कितने भी अच्छे हों ब्रश में एक आध बाल तो छूट ही जाता है। नहीं पाठक साहब, हो सकता है ये ब्रश नया हो और रजत राय साहब पहली बार इस ब्रश से अपने बाल बना रहे हैं। आपकी आधी बात मेरे समझ में आई, हो सकता है ये ब्रश बिल्कुल नया हो, क्योंकि फोरेंसिक्स को इस पर मिस्टर रजत रॉय की उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। इसका मतलब कि मिस्टर रजत रॉय ने इस ब्रश का इस्तेमाल किया ही नहीं। बस एक आखिरी सवाल मंत्री जी। हाँ, 24 जनवरी 2010 को आपने किसी को 80 लाख रुपए का अपने अकाउंट से चेक दिया था, आपको याद है किसे दिया था? नहीं, मुझे याद नहीं। नहीं, आपको याद नहीं। थैंक यू वेरी मच, योर विटनेस। योर ऑनर, मैं मिस्टर अकरम खान को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत? तो मिस्टर खान, आपका मानना है कि आपने अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मिस्टर रजत रॉय का कत्ल किया? जी हाँ। तो फिर इस गनशॉट की आवाज किसी ने सुनी क्यों नहीं? शायद आप फिल्में नहीं देखती है। मैंने साइलेंसर का इस्तेमाल किया था। ऑफ कोर्स। वैसे क्या आपका रिवॉल्वर अब भी लापता है? यस मिस्टर खान, उस दिन कैमरास रोल हो रहे थे, इसीलिए हमारे पास आपके रिवॉल्वर की साफ तस्वीर है। Your Honor, गन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक कोल्ट 1912 रिवॉल्वर है और इस रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट नहीं हो सकता, यानी कि मिस्टर अकरम खान झूठ बोल रहे हैं। थैंक यू प्रोसिक्यूशन। मिस्टर खान, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। आपके बयान के मुताबिक आप जब मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम में दाखिल हुए तब वो मैगजीन पढ़ रहे थे? जी हाँ। आपको याद है कौन सी मैगजीन थी, क्या पढ़ रहे थे? मैं वहां कत्ल करने गया था, मैगजीन पढ़ने नहीं। You're a funny man. अब मैं बताता हूं आपको। उस दिन उनके मेकअप रूम में सिर्फ एक ही मैगजीन पड़ी थी और वो ये। दुर्भाग्यवश इस मैगजीन पर चाय गिर गई थी तो इसके सारे पन्ने चिपके हुए, देखिए इस तरह। फॉरेंसिक्स का कहना है कि ये चाय कत्ल के दो दिन पहले इस मैगजीन पर गिरी थी, जिसका मतलब यह हुआ मिस्टर खान के मिस्टर रॉय ये मैगजीन पढ़ नहीं रहे थे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप उनके कमरे में दाखिल हुए ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ही रजत रॉय का खून किया। एक आखिरी सवाल मिस्टर खान, आपकी कई फिल्में मैंने देखी है, अखबारों में तो आपकी तस्वीर छपती ही रहती है, आप इस कलाई पे एक ब्रेसलेट पहनते हैं बहुत सुंदर सा, ऐसा आपने कहा है अपनी इंटरव्यूज में कि गुड लक के लिए पहनते हैं, लेकिन अदालत में इस समय आपने पहनी नहीं, क्यों? अदालत में आपको गुड लक की जरूरत नहीं? ये ब्रेसलेट खो गई। थैंक यू मिस्टर खान, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। केडी, तुम्हारे इन सवालों का इस केस से क्या लेना देना? बस सही वक्त आने पर अदालत को बताऊंगा यार। मेरा अगला गवाह सोशल वर्कर अंजलि उमेन। इजाजत। मिस उमेन, आपने अपने बयान में कहा था कि जब आप मिस्टर रजत रॉय के कमरे में दाखिल हुई तो वो मैं चाहता हूं कि आप अपने लफ्जों में अदालत को एक बार फिर से बताएं। अब मैंने यही कहा कि जब मैं उसके कमरे में गई तो वो लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे। मिस उमेन, क्या यही लैपटॉप? हाँ। Your Honor, मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम से सिर्फ ये लैपटॉप बरामद हुआ, इसके साथ कोई चार्जर नहीं था, तो जाहिर सी बात है जब मिस्टर रॉय इस लैपटॉप पर काम कर रहे थे ये लैपटॉप इसकी इंटरनल बैटरी पर चल रहा था। Correct. और ये भी जाहिर सी बात है Your Honor, कि गोली लगने के बाद मिस्टर रॉय ने ये लैपटॉप ऑफ करने की कोशिश नहीं की होगी, यानी कि ये ऑन रह गया होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं Your Honor, कि अगर ये लैपटॉप ऑन रह गया होता तो कुछ बैटरी इसकी ड्रेन आउट हुई होती, लेकिन सरप्राइजिंग इस लैपटॉप की बैटरी फुली चार्ज्ड
100%। इसका मतलब ये उस समय ऑफ था और ऑफ लैपटॉप पर कोई काम कर ही नहीं सकता, यानी कि अंजलि उमेन झूठ बोल रही है। शी इज लाइंग हियर। दैट्स रेडिकुलस। वन लास्ट क्वेश्चन मिस उमेन, उस दिन भगदड़ में शायद आपका ये बटुआ, ये वॉलेट वहां गिर गया होगा, पुलिस ने वहां से बरामद किया, आपकी आईडी अंदर मिली, हमें पता चला कि ये आपका है। मिस उमेन, ये जो जगह होती है वॉलेट में, यहाँ अक्सर किसी चहेते की, किसी दोस्त की या किसी फैमिली मेंबर की तस्वीर लगाई जाती है। आपके दोस्तों ने बताया है कि पहले यहाँ एक फोटो लगी थी, लेकिन अब ये नहीं है। अदालत को बताइए कि वो फोटो किसकी थी। वो मेरी बेटी की। झूठ बोल रही हैं आप, बट थैंक यू वेरी मच योर विटनेस। नो क्वेश्चंस मिस उमेन। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह क्रिकेटर रविंद्र मखना। इजाजत। मिस्टर मखना, जब आप मिस्टर रजत रॉय के कमरे में दाखिल हुए तो वो ऑरेंज जूस पी रहे। जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायसेरा की जांच के बाद मिस्टर रजत रॉय के पेट में ऑरेंज जूस के कोई भी ट्रेसेस नहीं। क्या यही है वो कत्ल का औजार जो आपने घर के गार्डन में गाड़ दिया? जी हाँ। आपको जानकर खुशी होगी कि मिस्टर रजत रॉय के शरीर से पाई गई बुलेट ऐसी ही गन की मिक से निकली थी, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक इस गन से नहीं, वो ऐसी ही कोई दूसरी गन थी। वो दो साल पहले तुम्हारे पुअर फॉर्म के कारण जब तुमने ये सोचा था कि क्रिकेट छोड़ दोगे, तो एक शख्स ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें ये पुअर डिसीजन लेने से रोका था। कौन थे वो शख्स? जी सर जी, वो मेरी माता जी श्रीमती अनुप्रिया मखना ने। झूठ बोल रहे हो यार रविंद्र, वो तुम्हारी माता। मेरी तरह केडीएस केस से जुड़े सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? हर बार कोई और ही सवाल। शी इज राइट। 5 मिनट में बताऊंगा यार, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से भगवान श्री पुलकितानंद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत। बाबा जी की जय हो। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, आप इकलौते हैं जिनका ये कहना है कि रजत रॉय की मौत आपके हाथों गलती से हुई। जी हाँ। और उस दिन रजत रॉय जी के का जो आखिरी इंटरव्यू चल रहा था, उसमें मंत्री जी श्री बच्चू सिंह का जो सिग्मा फूड प्लाजा है, उसके बारे में उस विषय में चर्चा हो रही थी वहां। और ये चर्चा हो रही थी कि उन्होंने कैसे सिग्मा फूड प्लाजा गरीबों की झोपड़पट्टी तुड़वा कर उस जमीन पर बनवाई। जी हाँ। तो अगर ये साबित हो जाता कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, तो करोड़ों की ये सिग्मा फूड प्लाजा की चेन बंद हो जाती। अवश्य। श्री बच्चू सिंह यादव का एक स्लीपिंग पार्टनर है बाबा जी, जिन्हें मैं अदालत में जगाना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं वो स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जानते हैं तो बताएंगे या सबूत लाऊं? जी हाँ, लेकिन हमने वो जमीन जबरदस्ती नहीं छीनी थी। नहीं नहीं बाबा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने वो जमीन छीनी, मैं तो महज इतना कह रहा हूँ कि आप श्री बच्चू सिंह यादव जी के स्लीपिंग पार्टनर हैं। योर ऑनर, भगवान श्री पुलकितानंद के आश्रम के बाहर नहर से पुलिस को ये गन बरामद हुई। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर रस्तोगी आकर हमें इस गन के बारे में बताए। इजाजत। योर ऑनर, ये गन बुरी तरह जली हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसकी हम जांच नहीं कर सके। ये वही कोल्ट 1912 है जिससे रजत रॉय का कत्ल हुआ। गन और बुलेट एग्जैक्ट मैच है। इसमें अचरज की क्या बात है? आपको जो कुछ भी कहना है यहां कटघरे में आगे कहिए। जी, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं,
खून हमारे ही हाथों हुआ है। यह पिस्तौल हमने ही जलाकर नहर में फेंक दी थी, ये वही पिस्तौल है। वकील साहब, आपकी तहकीकात बिल्कुल सही है, हिरासत में ले लीजिए हमें। लेकिन अगर खून सिर्फ आपने किया तो बाकी सब क्यों कह रहे हैं कि खून उन्होंने किया है? बहुत अच्छा सवाल प्रोसिक्यूटर साहब, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले योर ऑनर, मैं अदालत को बाबा पुलकितानंद जी के प्रवचन की कुछ झलकियां दिखाना चाहता हूँ, विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इजाजत। तो भक्तों, जो बात मैं आपको समझा रहा हूं बड़े ध्यान से समझना, माता पिता से भी ऊंचा होता है गुरु। गुरु ही ईश्वर है, जिसने गुरु से बैर लिया उसे 3 जन्मों तक नरक मिलेगा, परंतु जिसने गुरु की रक्षा की उसके लिए अगले हर जन्म में स्वर्ग का द्वार खुला ही रहेगा। ये मेरा सबसे बड़ा गुरु ज्ञान है। योर ऑनर, भगवान श्री पुलकितानंद का गुरु मंत्र, गुरु की सेवा करोगे तो हर जन्म में स्वर्ग मिलेगा। मेरे मुवक्किल रघुवीर बिश्त मई महीने में छुट्टी लेकर अपने होम टाउन हैदराबाद नहीं, बाबा के आश्रम कोयंबटूर गए थे, क्योंकि ये बाबा के परम भक्त हैं। मंत्री जी, आपने जो 80 लाख रुपए का चेक काटा था वो बाबा जी के आश्रम के लिए डोनेशन था, क्या ये सही है या नहीं? परम भक्त हैं आप बाबा जी के। सुपरस्टार अकरम खान, आपके हाथ में जो ब्रेसलेट था वो कुछ और नहीं, बाबा जी का दिया हुआ आशीर्वाद है। अंजलि वुमेन, आपके पर्स में जो तस्वीर थी वो बाबा जी की थी, क्योंकि आप बाबा जी को भगवान मानती हैं, क्या ये सही है या नहीं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे फेवरेट क्रिकेटर रविंदर, तुमने एक इंटरव्यू में कहा था मेरे भाई कि तुम्हें क्रिकेट में वापस लाने वाले एक शख्स है और वो बाबा पुलकितानंद है, क्या ये सही है? एक ही कॉमन डोर योर ऑन, जिसमें नीना भी बंधी हुई थी। मरते मरते नीना ठक्कर ने यही कहा था मुझसे कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता, नरक में नहीं जाना चाहता। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि भगवान श्री पुलकितानंद जी का गुरु मंत्र, गुरु की रक्षा करोगे तो हर जन्म में स्वर्ग मिलेगा। भक्ति में बहुत शक्ति होती है योर ऑनर, और आज इसी बात की मिसाल हमें यहां नजर आ रही है। इन सारे लोगों ने अपने भगवान को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, उस कत्ल का इल्जाम अपने सर लिया। सच बात तो यह है योर ऑनर कि इनमें से किसी ने गोली नहीं चलाई, गोली चलाई भगवान श्री पुलकितानंद। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, फौरन मुझे सजा सुनाइए, मैं नहीं चाहता कि मेरे पापों का बोझ मेरे भक्तों को उठाना पड़े। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। नहीं, आप हमारे भगवान को सजा नहीं दे सकते। मिस्टर मखना, सिट डाउन। नो, वी शैल नॉट सिट डाउन। स्वामी जी, हमारे भगवान है, आपको हमारे भगवान को छोड़ना होगा। मिस सोमन, आई से सर, हमारे भगवान को दोषी करार करके आप खुद पापी बन जाएंगे। ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए, हम पार्लियामेंट को हिला देंगे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये मत भूलिए कि यह अदालत है जहां कानून की नजर में सब एक समान है, भले वो आम इंसान हो या फिर इंसानों का बनाया हुआ भगवान। इंसाफ अंधा होता है
ना वो ऊंच नीच जानता है ना धर्म जात। इंसाफ सिर्फ एक अंतर जानता है और वो है निर्दोष और दोषी का। इस केस में मैं श्री पुलकिता आनंद को दोषी। जरा रुकिए योर ऑनर। योर ऑनर, अब तक अदालत में यह साबित हुआ है कि भगवान श्री पुलकिता आनंद ने गोली चलाई, लेकिन यह अभी तक साबित नहीं हुआ कि उसी गोली से मिस्टर रजत रॉय की मौत हुई। तुम अगर ये कहना चाह रहे हो कि श्री पुलकिता आनंद ने गोली जानबूझकर नहीं चलाई, उनसे गलती से चल गई, तो उसके लिए मैं तो नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार मर्डर वेपन में से दो गोलियां चली थी। एक गोली तो मिस्टर रजत रॉय के जिस्म से मिली और दूसरी यहां है यारों, जो उस कमरे के एसी में से मिली। सरल लफ्जों में योर ऑनर, उस कमरे का एसी ऐसी जगह लगा है कि अगर दरवाजा थोड़ा सा खुले तो सीधा सामने एसी नजर आता है। हुआ ये योर ऑनर के उस दिन भगवान श्री पुलकित आनंद जी मिस्टर रजत रॉय के कमरे की तरफ बढ़े, दरवाजा खोलने वाले थे, उन्हें नीचे मर्डर वेपन नजर आया, उन्होंने वो गन उठाई और जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे के झटके से उनके हाथों से गोली चली और वो गोली सीधा एसी में जाकर लगी। योर ऑनर, तुम ये कहना क्या चाह रहे हो केडी? जब बाबा जी ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने जमीन पर पड़े रजत रॉय की लाश को देखकर यह समझ लिया कि रजत रॉय की मृत्यु उनके हाथों से गोली चलने से हुई है, और यही कारण था कि उनके वक्त उनकी जान बचाने में लग गए। लेकिन योर ऑनर, फैक्ट यह है कि जिस गोली ने मिस्टर रजत रॉय की हत्या की वो गोली किसी और ने चलाई थी, बाबा पुलकित आनंद ने नहीं। पुलकित आनंद जी कातिल नहीं है? ऑर्डर ऑर्डर। केडी, इस तरह तो शक की सुई फिर से तुम्हारे मुवक्किल पर आ गई है। मैं जानता हूं जनरल, लेकिन मेरा काम मेरे मुवक्किल को बचाने के साथ साथ सच तक पहुंचना भी है, और सच तो यह है जनरल कि वो गोली जिससे मिस्टर रजत रॉय की जान गई वो इन्हीं में से किसी ने चलाई थी। गोली रघुवीर ने चलाई थी, क्योंकि मरने से पहले रजत रॉय ने सिर्फ रघुवीर का नाम लिया था। नहीं, मैंने खून नहीं किया। मैंने तो बस बाबा को कॉरिडोर से बाहर आते देखा, उनके हाथ में गन थी, इसीलिए मैंने इल्जाम अपने सर पे लिया। मैंने खून नहीं किया जज साहब, मैंने नहीं किया। आप लोगों ने खुद ही अभी साबित कर दिया है कि खून मैंने नहीं किया। उस वक्त मैं सबके साथ बाहर डाइनिंग एरिया में बैठा था जब मैंने भगवान जी को रजत रॉय के कमरे में जाता हुआ देखा। मैंने नहीं मारा रजत रॉय को, मैंने नहीं मारा। कमाल करते हैं पाठक साहब आप। पहले आप मुझे बेगुनाह साबित कर रहे थे, पर अब गुनाहगार। मैंने कहा ना कि मैं पुलकितानंद जी को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पे ले रहा था। अब जब वो बेगुनाह है तो क्यों मैं अपने मुंह से कहूं कि ये खून मैंने किया है? I'm really sorry. तब मैं झूठ बोल रही थी, लेकिन अब सच बोल रही हूँ। मैंने स्वामी जी के हाथ में वो गन देखी और फिर जब मैंने सुना कि उस गन से मर्डर हो गया तो मैंने स्वामी जी की जान बचानी चाहिए, लेकिन आई स्वेयर ऑन गॉड मैं उस कमरे में गई नहीं। मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम एक्टिंग करना। उस दिन मैंने स्वामी जी को कमरे से बाहर आते हुए देखा तो मुझे लगा कि खून उन्होंने किया है, और उन्हें बचाने के लिए मैंने खून का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। लेकिन अब मुझे पता चला कि खून उन्होंने नहीं किया है, तो आई वॉन्ट टू कन्फेस, खून मैंने नहीं किया है, और इस वक्त मैं कोई भी एक्टिंग नहीं कर रहा। आई एम रियली ऑनेस्ट। मेरे फैंस जानते हैं कि मैं कभी भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट अ किलर।
क्या केडी, तुमने वो बाबा को बेगुनाह साबित करके अपना ही केस फिर से वीक कर दिया। लेकिन कमाल है, जैसे ही श्री पुलकित आनंद जी की बेगुनाही साबित हुई, सबने अपना अपना बयान बदल दिया। हाँ वो तो होना ही था, लेकिन अभी भी एक सवाल अटल है कि मरते समय रजत रॉय ने रघुवीर का नाम क्यों लिया। सानिया डू मी अ फेवर, उस दिन के इंटरव्यू का सारा फुटेज, जो टेलीकास्ट हुआ और जो नहीं हुआ, वो सारा मुझ तक लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, मैं भी चैनल हेड मिस्टर कुकरेजा से कहकर वो फुटेज आपको लाकर देती हूँ। कुकरेजा, गौतम कुकरेजा, नीना का एक्स हस्बैंड? जी। ओह इंटरेस्टिंग। अब रजत रॉय की मौत के पहले का जवाब खुद रजत रॉय ही देंगे। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। मेरे बाल ठीक करो, अपने मेरे मेकअप मैन को बुलाओ यार, क्या नाम है उसका, अरे कमल, हाँ जयदेव, जयदेव वेयर आर यू, जल्दी है, जल्दी बात। तुम्हारी लास्ट फिल्म की हीरोइन ना, समीर उसे काफी बेकार थी यार। अपना फोटोग्राफर है ना, क्या रॉय खन्ना, रॉय खन्ना की बहन है वो, क्या नाम है उसका यार, बहुत ही अच्छा नाम है यार, हाउ कैन आई फॉरगेट। योर ऑनर, रजत रॉय केस मर्डर केस के शुरुआत में छह लोगों ने इस कत्ल का इल्जाम अपने सर पर लिया। जिनमें से अब पांच लोग अपना बयान बदल चुके हैं और अदालत के सामने ये कह चुके हैं कि ये कत्ल उन्होंने नहीं किया। रही बात बाबा पुलकित आनंद की, तो मेरे थ्योरी के मुताबिक उनके हाथों से जो गोली चली थी, उस गोली से मिस्टर रजत रॉय की हत्या नहीं हुई। इनमें से कितनी बातें सच हैं और कितनी झूठ, मैं मिस्टर रजत रॉय के आखिरी शो की कुछ झलकियों से साबित करना चाहूंगा, विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इजाजत। योर ऑनर, अदालत प्लीज नोट करें कि मिस्टर रजत रॉय की एक खास आदत थी, उन्हें किसी का नाम याद नहीं रहता था। मेरा मेकअप मैन कौन है? मेरे मेकअप मैन को बुलाओ यार, क्या नाम है उसका? हाँ जयदेव, वो रॉय खन्ना की बहन का नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है यार, हाउ कैन आई फॉरगेट, भूल गया। मेरे साउंड वाले का नाम क्या था? क्या नाम है यार अपने साउंड वाले का? हाँ निर्मल। योर ऑनर, मिस्टर रजत रॉय के नाम भूल जाने की आदत के वजह से आखिरी सांस के पहले जो आखिरी शब्द उन्होंने कहा था, रघुवीर, उसका यह मतलब नहीं था कि कातिल रघुवीर है। वो ये कहना चाहते थे कि कातिल रघुवीर की मंगेतर मिस सानिया शेख। ऑर्डर, ऑर्डर। ये आप क्या कह रहे हैं केडी सर? मैं आपके पास ये केस लेकर आई और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे?
मैं रजत रॉय सर को कैसे मार सकती हूँ? मैं तो उस वक्त पनवेल में थी, लाइव रिपोर्टिंग करती हुई, और वो स्टूडियो से 2 घंटे की दूरी पर है। हाँ, वर्ली वाला स्टूडियो जहाँ पर मिस्टर रजत रॉय अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे थे, वहाँ से पनवेल 2 घंटे की दूरी पर है। यू राइट। कहाँ थे आप वैसे पनवेल में? सिग्मा फूड कोर्ट के बाहर। आप लाइव फुटेज भी देख सकते हैं। सिग्मा फूड कोर्ट के बाहर। फुटेज हमने देख ली मिस शेख, और उसी फुटेज में से मैंने ये फोटो निकलवाई है। देखिए आप ही जी, और ये लाइव फुटेज है, रिकॉर्डेड नहीं। हाँ जानता हूँ, और यही लाइव फुटेज देखने के बाद मैं अपने दोस्त झिलमिल को लेकर सिग्मा फूड प्लाजा के पनवेल वाले ब्रांच में गया। वहां मैंने अपनी ये फोटो खिंचवाई। देखिए कैसा लग रहा हूं। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें और बताएं कि इन दोनों में फर्क क्या है। सानिया के पीछे जो स्टार का साइन है वो टूटा हुआ है, तो तुम्हारे पीछे जो स्टार का साइन है वो टूटा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली योर ऑनर, और मैं खड़ा हूं सिग्मा फूड प्लाजा के पनवेल वाले आउटलेट के सामने। तो जाहिर सी बात है कि सानिया पनवेल वाले आउटलेट की नहीं, किसी और आउटलेट के बाहर खड़ी थी। हो सकता है तब साइन टूटा हो, और आपके वहां पहुंचने से पहले उन्होंने उसे ठीक कर दिया। सिग्मा फूड प्लाजा के पनवेल वाले ब्रांच का साइन कभी टूटा ही नहीं था। तो फिर ये सानिया के पीछे टूटा हुआ साइन कहां का है? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इस तस्वीर को भी आप देखें और सानिया की तस्वीर से मिलाएं। योर राइट, हूबहू वही है। इसका ये मतलब हुआ कि जिस दिन सानिया रिपोर्टिंग कर रही थी वो पनवेल वाले आउटलेट के सामने नहीं, वर्ली वाले आउटलेट के सामने, जहां से मिस्टर रजत रॉय का स्टूडियो इतना करीब है कि इनका वहां जाकर के गन लेकर मिस्टर रजत रॉय का कत्ल करके फिर रिकॉर्डिंग पे वापस आना, इट्स एब्सोल्यूटली पॉसिबल। आपने अदालत से हम सब से झूठ क्यों? सो मिस सानिया शेख, क्या आप अदालत के सामने ये कबूल करेंगी कि आप पहुंची मिस्टर रजत रॉय के मेकअप रूम में, जहां आपने उनका कत्ल किया, जाते वक्त हड़बड़ी में वो पिस्टल आपके हाथों से छूट गई, आप वहां से भाग गई क्योंकि आपको जल्दी थी अपने लाइव रिकॉर्डिंग में वापस पहुंचने की, और जब आपको ये बात पता चली कि मिस नीना ठक्कर जानती हैं कि आप कातिल हैं और वो ये राज मुझे बताने वाली है, आपने उनका भी कत्ल कर दिया। हाँ, मैंने ही मारा है रजनी। Silence, please. सिग्मा फूड प्लाजा की इतनी सारी आउटलेट से मुझे लगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि मैं वहां खड़ी हूं, इसलिए मैंने अपने कैमरामैन को भी अपने प्लान में शामिल किया ताकि मैं रजत रॉय को मार सकूं। तुम यहां? तुम तो पनवेल में थी। अरे ये क्या? और जैसे ही मैं वहां से निकलने लगी, मुझे किसी की आहट सुनाई दी और डर के मारे
मेरे हाथ से गन छूट गई और मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। ये भी बता दीजिए मिस शेख, क्या आपने मिस्टर रजत रॉय को क्यों मारा? 3 महीने पहले जब मैंने डीबीसी न्यूज चैनल ज्वाइन किया, तब से रजत रॉय मुझ पर डोरे डाल रहा था। मेरा काम करना मुश्किल कर दिया था उसने। बड़ी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिला था और उस एक इंसान की वजह से मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती थी। I just hated Rajat for this. ऊपर से जिस तरह वो रघुवीर को ट्रीट करता था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। जब उसने मुझे धमकाया कि वो रघुवीर से कह देगा कि मेरा और उसका अफेयर है, तब मैंने सोच लिया था कि इस इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो फिर आप ये केस मुझ तक क्यों लेकर आए? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से बेचारा रघुवीर फंस जाएगा। इसलिए मैं आपके पास आई। आज तक आपने अपने हर क्लाइंट को बचाया है। मुझे 2 बातों पर पूरा यकीन था। एक कि मेरा प्लान इतना बेहतरीन है कि आप मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और दूसरा कि आप जैसा सुपर लॉयर रघुवीर को कभी कुछ नहीं होने देगा। सानिया शेख के एक वाले जुर्म के बाद यह अदालत इन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है, और श्री रघुवीर बिष्ट को रजत राय के कत्ल से बरी करती है। अदालत को गुमराह करना भी एक अपराध है। इन 5 गवाहों को जिन्होंने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है, अदालत इन्हें इस चेतावनी के साथ इस बार छोड़ती है कि आइंदा अदालत को गुमराह ना करें। द केस इज क्लोज्ड। यार केडी, तूने इतने बड़े बड़े केस सुलझाए, मेरा एक छोटा सा केस सुलझा दे यार, प्लीज। तू 5 किलो कद्दू के बीज खा गया है, अभी तक जवाब नहीं मिला। अरे यार केडी, मैं 3-3 कद्दू खा चुका हूँ लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। बोल फिर। अरे कद्दू नहीं, बीज खाने बोला था, ले थोड़ा और खा। अरे नहीं यार, मैं पक गया हूँ ये बीज खा के, प्लीज बता यार, बता यार। सिंपल सा जवाब, अलादीन जिन को जाके बोलता है कि मेरी माँ मेरी औलाद सोने के पालने में जीता हुआ देखना चाहता हूँ। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। यानी कि माँ देखना चाहती है औलाद को सोने के पालना में, यानी कि पैसा, आंखों की रोशनी और औलाद भी, तीनों चीज। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक यार, कमाल कर दिया यार केडी, बहुत अच्छी बात यार। केडी एक बात बता यार, तू तेरे पास हर सवाल का जवाब कैसे हो जाता है? ले अब इसका भी जवाब देना पड़ेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।